छोटे बच्चे यानी 2 से 6 साल के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें न्यूट्रिशियस फूड खिलाना जितना ही इम्पोर्टेंट होता है उतना ही हमारे लिए डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि एक तो ये खाते नहीं है और दूसरा अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशियस फूड खिलाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मन्ना हेल्थ मिक्स पाउडर। जैसे कि आप छोटे बेबीज को सेरेलैक वगैरह खिलाते हो तो ये उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बना होता है और 100% नेचुरल, 100% होल ग्रेन्स एंड नट्स से बना होता है। इसमें कोई भी एडेड शुगर, एडेड कलर्स, एडेड फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव नहीं दिया हुआ है। तो ये हेल्थ मिक्स पाउडर मिलेट्स, नट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस से बना हुआ है। मैं इसे अपने बेटे को रेगुलर एज ए ब्रेकफास्ट के फॉर्म में देती हूँ और वो खुशी खुशी इसे खा भी लेता है। तो फ्रेंड्स, इस हेल्थ मिक्स में बाजरा, कॉर्न, ज्वार, गेहूं, रेड राइस, बार्ली, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, सैगो, ग्राउंडनट, आलमंड, कैसिव नट, कार्डमम, रागी दिया हुआ है। 14 नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये हेल्थ मिक्स पाउडर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसमें रागी दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम और आयरन जैसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही इसमें बाजरा दिया हुआ है जिसमें आयरन, जिंक और फाइबर होता है। कॉर्न दिया हुआ है जिसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही में ज्वार भी दिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम पाया जाता है जो बोन को स्ट्रांग करते हैं, टिश्यू को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। साथ ही इसमें गेहूं, बार्ली भी दिया हुआ है जिसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ग्रोविंग चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। रेड राइस भी दिया हुआ है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है जो बच्चों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, बच्चों को बीमारियों से बचाता है। सो फ्रेंड्स, तो ये थे होल ग्रेन्स जो इस पाउडर में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और मिनरल भर भर के पाया जाता है। इन सब के अलावा इनमें दालें भी पाए जाते हैं जिसे हम पल्सेस कहते हैं। इसमें ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, साथ ही इसमें सैगो भी दिया हुआ है जिसमें हायर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। सागो में कार्बोहाइड्रेट और आयरन पाया जाता है। इन चीजों के अलावा इस हेल्थ मिक्स पाउडर में नट्स भी दिया हुआ है जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली जैसे नट्स भी इसमें दिए हुए हैं जिनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट होता है जो ग्रोविंग किड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हेल्थ मिक्स पाउडर क्लेम करता है, आप देख सकते हो कि ये क्लेम करता है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कलर या एडेड शुगर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इलायची का फ्लेवर जरूर इसमें दिया हुआ है। जैसे हम खीर खाते हैं उसमें हम इलायची भी डालते हैं, ठीक वैसे ही इस हेल्थ मिक्स पाउडर का जो फ्लेवर है, जो फ्रेग्रेंस आप कह सकते हो, वो इलायची का ही है। सबसे पहले आप 3 टेबलस्पून हेल्थ मिक्स पाउडर को लीजिए और 1 कटोरी में आप मिल्क या आप वाटर भी ले सकते हैं। 300 ml के करीब आप मिल्क ले लीजिए और उसके बाद आप इससे हेल्थ मिक्स पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसे गैस पर रखिए और उबलने दीजिए और आपको कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है, चम्मच से मिक्स करते रहना है ताकि कोई भी लम्स उसमें ना बने। 3 मिनट तक आपको इसको पकाना है गैस पर, लो फ्लेम पर, उसके बाद इसको आप बच्चे को खाने को दे सकते हैं। तो अगर आपका बेबी फिर भी नहीं खा रहा है या अवॉइड कर रहा है इसे, तो आप पकाते से मैं थोड़ा सा अमाउंट गुड़ का डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं या हनी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी बेबी को वीट से या बार्ली से एलर्जी है या नट से एलर्जी है तो आप इसे खाने को फिर ना दे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांस फैट की जो मात्रा दी हुई है वो 0 दी हुई है। तो जो ट्रांस फैट होता है वो बेबीज के लिए या बच्चों के लिए, हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता है और इस मिक्स पाउडर में ट्रांस फैट 0 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ग्रोविंग चिल्ड्रंस के लिए प्रोटीन, फाइबर और आयरन उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये सभी चीजें इसमें दी हुई है। ये जो पैकेट है ये 600 ग्राम की पैकेट है और इसकी जो प्राइस है वो 319 रुपीज है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 1 ईयर की है। सो फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो 1 लाइक कर दे, आपका 1 लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज और साथ ही आने वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।